लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ताइचुन के फादर ने एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से ताइचुन के बहुत से क्लोन बना के रखे थे और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद क्या है ये अभी रिवील नहीं हुआ है। और अब ताइचुन के फादर ताइचुन के पास आते हैं और ताइचुन से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, जिस पर ताइचुन कहता है कि फादर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं डिवाइन रियलम के सातवें लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा, जिस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो मेरे ख्याल से तुम बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर पाओगे, जिस पर ताइचुन भी यस फादर कहता है। और फिर ताइचुन कहते हैं कि फादर मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मेरा एक पपेट डिस्ट्रॉय हो गया है। और आप इतना सुनते ही ताइचुन के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर ताइचुन को एक चाटा मारते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमेशा तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो और तुम्हें बाकी की दुनियादारी से मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगे तुम्हारे पपेट्स भी उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, जिस पर ताइचुन भी यस फादर कहता है। और फिर ताइचुन के फादर उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें कल्टीवेशन के अलावा किसी और कामों में ध्यान देते हुए पकड़ा तो फिर तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। और इतना कहकर ताइचुन के फादर वहां से चले जाते हैं। और अब अपने फादर के जाने के बाद ताइचुन बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिर क्यों मुझे इस घर के चार दीवारी के अंदर बंद होकर हमेशा कल्टीवेशन करने के लिए कहा जाता है और मेरी लाइफ में कल्टीवेशन के अलावा और कुछ क्यों नहीं है। और फिर ताइचुन अपने दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है कि क्या मैं अभी के अभी यहाँ से भाग जाऊं। और फिर ताइचुन सोचते हुए कहता है कि नहीं, मेरे फादर मुझे बहुत ही आसानी से ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तभी ताइचुन को कुछ याद आता है और फिर वो अपने स्पेस रिंग को निकालते हुए कहता है कि साओचैन तू ही मेरी हेल्प कर सकते हो। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साओचैन बहुत ही आराम से सोया हुआ होता है। लेकिन तभी साओचैन को भी फील होता है कि उसके पास जो ताइचुन की स्पेस रिंग है उसमें अचानक से कोई एक्टिविटी शुरू हो गई है। और अब साओचैन जैसे उस स्पेस रिंग को ओपन करता है तो हम देखते हैं कि खुद ताइचुन उस स्पेस रिंग के जरिए साओचैन से बात करने की कोशिश कर रहा था। और अब साओचैन जैसे ताइचुन को देखता है वो कहता है कि वो तुम नहीं हो जिसे मैंने मारा था। और अब फिर साओचैन हंसते हुए कहता है कि वेट अ मिनट, तुम रियल ताइचुन हो है ना। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि साओचैन तुम्हारी पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मेरे फादर के अलावा आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया था कि असली ताइचुन कौन है और नकली ताइचुन कौन है। और अब उसकी बात सुनने के बाद साओचैन कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आयरन ब्लड सेट के लोग भी इस सोल डिटैचमेंट टेक्निक को जानते हैं। और फिर साओचैन कहता है कि तब तो मेरे ख्याल से मैंने जिसे पहले मारा था वो बस एक तुम्हारा पपेट था जिसको तुम या तुम्हारे फादर कंट्रोल किया करते थे। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन कहता है कि अगर तुम इस टेक्निक को जानते हो तब तो मेरे ख्याल से जरूर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, जिस पर साओचैन बताता है कि ये सोल डिटैचमेंट टेक्निक ये दरअसल एक स्पेशल थियोर्जी टेक्निक है और भले ही मैंने इस टेक्निक को स्पेशल कहा हो लेकिन ये टेक्निक उतनी ही ज्यादा यूजलेस है, क्योंकि इस टेक्निक में बस एक मेन पर्सन होता है जो इस टेक्निक का यूज करते हुए अपनी सोल पावर से किसी भी कमजोर पर्सन को पजेस कर लेता है और उसके बाद अपनी थियोर्जी और पावर की मदद से उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जब उस आदमी की सोल पूरी तरह से खत्म हो जाती है तब वो मेन पर्सन पूरी तरह से उसके बॉडी में कब्जा कर लेती है। और जब इसी काम को एक बड़े पैमाने पे किया जाए तब इसे सोल डिटैचमेंट टेक्निक कहा जाता है। और इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब किसी पर्सन के बॉडी में पूरी तरह से वो आदमी अपना कब्जा कर लेता है तब मेन पर्सन की सारी एबिलिटी उस आदमी में भी आ जाती है और उसके बाद वो पपेट भी उसी आदमी जितना पावरफुल हो जाता है। और अब ये सुनने के बाद ताइचुन कहता है कि साओचैन तुम ही एक पर्सन हो जो सच में मेरी हेल्प कर सकते हो। और अब उसकी बातें सुनने के बाद साओचैन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम उन पपेट्स को कंट्रोल नहीं करते हो क्योंकि तुम में और मैंने जिसको मारा था उसमें जमीन आसमान का फर्क है, जिस पर ताइचुन बताता है कि उन सारे क्लोन्स को मेरे फादर कंट्रोल किया करते हैं और मैं तो बस कल्टीवेट करके उन पपेट्स की पावर को बढ़ाता हूँ। और अब ये सुनने के बाद साओचैन कहता है कि ठीक है चलो बताओ मुझे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, जिस पर ताइचुन साओचैन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है क्योंकि मेरे फादर मुझे बस एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं और वो मुझे बस घर में कैद करके हमेशा दिन रात कल्टीवेट करवाते रहते हैं और मैं इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। और अब ताइचुन की बात सुनने के बाद साओचैन कहता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे फादर का कल्टीवेशन लेवल क्या है, जिस पर ताइचुन कहता है कि मेरे फादर ने कुछ सालों पहले ही डिवाइन रिलम को रिस्क कर लिया था और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो मेरे ख्याल से वो शायद किंग रिलम पे पहुंचने वाले हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के सामने अपनी कल्टीवेशन लेवल को शो नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि वो किंग रिलम पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो। और तब साओचैन कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि मैं किंग रिलम के कल्टीवेटर से तुम्हें बचा लूंगा। और फिर साओचैन कहता है कि वेल मैं एक चांस ले सकता हूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी एक किंग रिलम के कल्टीवेटर से लड़ पाऊंगा, जिस पर ताइचुन कहता है कि क्यों क्या हुआ तुम्हें जिस टाइप की भी हेल्प की जरूरत होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब साओचैन कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने आप को इलाइट चैंपियनशिप के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करना चाहता हूँ और एक बार जब ये इलाइट चैंपियनशिप का मामला खत्म हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी हेल्प करने के बदले में मुझे कुछ चाहिए, जिस पर ताइचुन कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं देने के लिए तैयार हूँ, जिस पर साओचैन कहता है कि तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा। और फिर साओचैन आराम से लेटते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लो क्योंकि अगर तुमने एक बार मुझे अपना मास्टर चुन लिया तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में तुम्हें और भी ज्यादा बड़े खतरों का सामना करना पड़े। और अब साओचैन की बातें सुनने के बाद ताइचुन वहाँ से गायब हो जाता है। और अब हम ताइचुन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि क्या मैं साओचैन को अपना मास्टर मान लूं या फिर मैं भी इस इलाइट चैंपियनशिप के खत्म होने का वेट करूं। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि साओचैन और जियांगचुन क्विंगझाओ सिटी में घूम रहे होते हैं और आसपास के माहौल को देखते हुए जियांगचुन कहता है कि बॉस मेरे ख्याल से जितने भी
लोग इलाइट चैंपियनशिप में भाग लेने वाले हैं। वो सारे क्विंजा सिटी पहुंच चुके हैं और सभी अपने लिए बेस्ट वेपन को चूज कर रहे हैं। जिस पर साशन कहता है कि तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ जाके इलाइट चैंपियनशिप शुरू होने से पहले अपनी कल्टीवेशन को थोड़ी और आगे बढ़ा लो। जिस पर जैंग चुन कहता है कि बॉस मैं आपकी तरह नहीं हूँ, जो बस कुछ ही दिनों में अपनी पावर्स के एक एक लेवल को बढ़ा लेता है, और आप मुझसे कभी ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं कभी किसी बड़े लेवल को अचीव कर पाऊंगा, वो भी बिना किसी ट्रेजर की मदद से। और अब जैंग चुन अचानक रुक जाता है और कहता है कि वेट ए मिनट, मैंने अभी क्या कहा। और फिर जैंग चुन हंसते हुए कहता है कि बॉस अगर हमारे पास बहुत से ट्रेजर्स आ जाए तो फिर क्या होगा। जिस पर साशन कहता है कि तुम दिन में सपने देखना बंद करो वरना अभी के अभी मैं तुम्हें एक बहुत ही जोर का थप्पड़ मारने वाला हूँ। जिस पर जैंग चुन कहता है कि बॉस मुझे मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि कुछ लोग बहुत ही कीमती खजाने के साथ यहाँ से सीक्रेटली जाने वाले हैं, तो अगर आप चाहें तो हम उनके ट्रेजर्स को अपना ट्रेजर्स बना सकते हैं। जिस पर साशन कहता है कि तुम तो चोरी और लूटपाट करने की बात कर रहे हो। जिस पर जैंग चुन कहता है कि बॉस आप कितने ज्यादा समझदार हो। जिस पर साशन कहता है कि तुम अपना बकवास बंद करो क्योंकि हम लोग कभी भी किसी को ऐसे ही परेशान नहीं करते, और दूसरी बात हम लोग डाकू नहीं है। जिस पर जैंग चुन कहता है कि बॉस आपने जाओ फैमिली के बारे में तो सुना ही होगा, ये फैमिली इकलौती ऐसी फैमिली है जिसने आज तक सारे क्राइम को किया है, और अब अगर हम जाओ फैमिली को लूटेंगे तो इस काम को तो करके हम लोग बहुत ही ज्यादा पुण्य कमाने वाले हैं। जिस पर साशन कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सब नॉनसेंस था, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया क्योंकि अब हमारे पास जाओ फैमिली को टारगेट करने के दो रीजन आ चुके हैं। पहला, जाओ फैमिली बहुत ही ज्यादा बुरा है, और दूसरा, मुझे अपनी कल्टीवेशन को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ पावरफुल ट्रेजर्स की जरूरत है। और अब इतना सुनते ही जैंग चुन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि बॉस आई लव यू, मुझे पता था कि आपका डिसीजन हमेशा करेक्ट होता है। और फिर जैंग चुन कहता है कि बॉस अब मैं जल्दी से जाके जाओ फैमिली के सारे डिटेल को निकलवाता हूँ। जिस पर साशन कहता है कि ठीक है मैं ये काम तुम पे छोड़ता हूँ। और अब इतना सुनते ही जैंग चुन वहाँ से एक बच्चों की तरह हंसते हुए दौड़ने लगता है और कहता है कि मैं बॉस के साथ पहली बार डकैती करने वाला हूँ। और अब पीछे से उसे देखते हुए साशन कहता है कि ये नहीं सुधरेगा। और अब साशन अकेले ही मार्केट में घूम रहा होता है और तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक शॉप पे पड़ती है, और उस शॉप को देखते हुए साशन कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे जरूर कुछ बढ़िया चीज होनी चाहिए। और अब उस शॉप का ओनर साशन से कहता है कि सर आप अपने लिए यहाँ पे एक बेस्ट वेपन को ढूंढ सकते हैं। तब साशन एक गाउंटलेट को देखते हुए कहता है कि आखिरकार इसका प्राइस क्या है। तब वो आदमी कहता है कि सर ये गाउंटलेट टूटा हुआ है और इसीलिए इसकी प्राइस सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन है। जिस पर साशन कहता है कि एक टूटे हुए टूल के लिए 10 गोल्ड कॉइन कुछ ज्यादा नहीं है। वो आदमी कहता है कि सर इस गाउंटलेट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और अगर आपने इस गाउंटलेट को किसी तरह बनवा लिया तो ये गाउंटलेट एक अर्थ लेवल का वेपन तो जरूर होगा। जिस पर साशन भी ओके कह के उसे पैसे दे देता है और फिर अपने मन में सोचता है कि इस गाउंटलेट को बनवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि इस वेपन को कौन बना सकता है। और अब साशन उस गाउंटलेट को देखते हुए कहता है कि मैं कभी भी अपनी फाइट में किसी वेपन का यूज नहीं करता हूं, लेकिन शायद जब ये वेपन बन जाएगा तब इस वेपन को यूज करके मैं अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूं। और अब साशन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी अपने बीस्ट को लेके उसी रास्ते से आ रहा था और वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को ठोकर मारते जा रहा था और कह रहा था कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम सबको कुचल दूंगा। और अब उसे देखते ही साशन कहता है कि भले ही जगह पे किसी भी चीज की कमी क्यों ना हो जाए लेकिन इडियट सर जगह मिल ही जाते हैं। जिस पर वो शॉप का आदमी बताता है कि दरअसल ये जाओ फैमिली का पांचवा बेटा है। और अब इतना सुनते ही साशन कहता है कि क्या किस्मत है, अभी कुछ ही देर पहले सोचा था कि जाओ फैमिली के साथ पंगा लेना है और भगवान ने मेरी बात तुरंत सुन ली। और अब ये जाओ फैमिली का यंग मास्टर जिसका नाम जाओ जी है वो कहता है कि तुम अभी के अभी मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मेरा बीस्ट यहीं पे तुम्हें खा जाएगा। और इतना कहते ही वो बीस्ट सीधे साशन को खाने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हमारा ब्लैकी बस एक नजर उस बीस्ट को देख लेता है। और अब ब्लैकी के बस देखने भर से ही वो बीस्ट इतना ज्यादा डर जाता है कि वो बीस्ट अपनी जगह से हिलना भी बंद कर देता है। और अब साशन ब्लैकी को गुड बॉय कहता है और अब ये आदमी जिसका नाम जाओ जी है वो अपने बीस्ट को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है और कहता है कि चलो उठो और सामने खड़े उस आदमी को खत्म कर दो। लेकिन फिर भी जब वो बीस्ट नहीं उठता है तब जाओ जी अपने शॉट को निकालता है और सीधे उस बीस्ट के अंदर घुसेड़ देता है। और अब जाओ जी साशन के पास जाके कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। जिस पर साशन भी हंसते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया या फिर मैं ये कहूँ कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और इतना कहते ही साशन अपने फायर ऑरा को बाहर निकालने लगता है। और अब साशन की इतने पावरफुल एनर्जी को देखने के बाद जाओ जी पीछे खिसकते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी पावर्स को दिखाने की, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किस फैमिली से हूँ। जिस पर साशन कहता है कि मैं पहले तो नहीं जानता था लेकिन अब मैं तुम्हारी पूरी कुंडली लिख सकता हूँ क्योंकि तुम अभी कुछ ही देर बाद मेरे हाथों मरने वाले हो। और अब इतना सुनते ही जाओ जी भी अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है और फिर वो साशन की तरफ एक अटैक को करते हुए कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम मुझे कैसे मारते हो। और इतना कहते ही वो अपने रिकार्नेशन पाल्म को पूरी तरह से एक्टिव कर लेता है। और अब साशन भी कहता है कि ठीक है मैं इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और इतना कहते ही साशन भी अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट को एक्टिव करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे जाओ फैमिली के मास्टर आ जाते हैं और फिर वो अपने बेटे से कहते हैं कि रुक जाओ। और अब जाओ जी अपने फादर को देख के कहते हैं कि फादर आप यहाँ पे क्यों आए। जिस पर जाओ जी के फादर सीधे उसे एक तमाचा मारते हैं और जाओ जी से कहते हैं कि दिन भर तुम आवारा गर्दी करते रहते हो और अब बिना किसी क्वेश्चन पूछे यहाँ से चुपचाप घर दफा हो जाओ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।